स्वागत है आपका हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई विश आप लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा जो है कि आप कहीं दूर बैठे व्यक्ति से जो है कि अपने कंप्यूटर पर कोई हेल्प ले सकते हैं, और वो भी बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ब्राउज़र पर। आप जो क्रोम ब्राउज़र हो, फायरफॉक्स ब्राउज़र हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्रोम ही ओपन करें, जो भी ब्राउज़र हो आप उसको ओपन कर सकते हैं। और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है एनी डेस्क, ANYDESK, एनी डेस्क लिखना है और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एनी डेस्क लेकर के एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा कि एनी डेस्क द फास्ट रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इसी के नीचे जस्ट आपको मिलेगा डाउनलोड विंडोज लिख करके, ठीक है। तो डाउनलोड विंडोज पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड विंडोज पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आ गया एनी डेस्क वेबसाइट का। तो यहाँ पर जो है कि आपको विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए, लिनक्स, FreeBSD, रास्पबेरी या फिर क्रोम ओएस, सब के लिए जो है कि आपके पास लिख करके आ जाएगा किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि पूरा जो है कि इसके डिटेल्स भी आपको खुल करके आ जाएंगे, इस साइट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एनी डेस्क को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर देखिए डाउनलोड्स, डाउनलोड नाउ लिख करके आया, रेड कलर बॉर्डर बना हुआ है, इसमें डाउनलोड नाउ लिख करके आया हुआ है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे वर्जन में दिखा रहा है वर्जन 7.1.6 है, और कुल 4 MB यानी 4 MB का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, स्मॉल सॉफ्टवेयर है। तो आप जैसे ही डाउनलोड क्लिक करेंगे जो है तुरंत जो है कि डाउनलोड हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है। तो देखिए जो हमारा डाउनलोड हो चुका है, एनी डेस्क हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब आप हमें क्या करना है कि इसको आप यहां से ओपन कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपका एनी डेस्क सॉफ्टवेयर खुल करके सामने आ जाएगा। देखिए ये जो है एनी डेस्क है, एनी डेस्क आपका पोर्टेबल और इंस्टॉल दोनों रूप में कार्य करता है। तो अभी जैसे अगर आप डायरेक्टली ओपन करेंगे तो ये जो है पोर्टेबल रूप में ही खुलता है। अगर आप इसको अपने कंप्यूटर में जो है पूर्ण रूप से आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप इसको चाहें तो पोर्टेबल रूप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी इसे पोर्टेबल के रूप में खुला हुआ है। अगर हम इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जैसे ही आपका पोर्टेबल रूप में खुले, यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए सेकंड बॉक्स में लिख करके आएगा इंस्टॉल एनी डेस्क, इंस्टॉल एनी डेस्क ऑन दिस डिवाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा। तो इसको आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यस या नो पूछेगा, तो आप यस कर देंगे, परमिशंस अलाउ कर देंगे। और जैसे आपको यस करेंगे ये इंस्टॉलेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और देखिए ये जो है हमारा बस कुछ ही सेकंड में जो है कि इंस्टॉल होकर के कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए इसके लिए एनी डेस्क एक प्रिंटर होता है, उसको भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, और एनी डेस्क देखिए हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल होकर के हमारे डेस्कटॉप पर आ चुका है, ठीक है। अब कभी भी किसी से अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मात्र जो है कि आपको एनी डेस्क सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। और ओपन करके जो देखिए यहाँ पर योर एड्रेस दिखा रहा है, सामने योर एड्रेस दिखा रहा है 9 अंकों का, ठीक है। जैसे इसमें 6642035 75, ये जो है इसका एनी डेस्क एड्रेस है। तो क्या करना है आपको, बस ये जो है कि जो 9 अंकों का नंबर है, डिजिट 9 डिजिट्स हैं, इनको आपको शेयर करना होगा। और जैसे ही आप शेयर करेंगे वो जो है वहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, तो आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, तो वो जो है दूसरा व्यक्ति वहाँ से आपके कंप्यूटर सिस्टम का पूरा वहीं से जो है रिमोटली जो है कि हैंडल करके वहाँ से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, या फिर वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को करिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।